हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभी तक उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट में आप और हम बात करते आए हैं कुछ मेजर स्टेशंस की या फिर चेनाब ब्रिज या टनल T1 के अपडेट की। लेकिन दोस्तों, एक और हाईलाइटेड यहां पर जो चीज़ है वो है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, जो कि है T49 टनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको टनल 49 की एक कंप्लीट डिटेल और लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूं। देखिए, T49 टनल की यहां पे अच्छी खासी प्रोग्रेस है। ये टनल खाड़ी रेलवे स्टेशन के पास पड़ती है। कंप्लीट डिटेल देखने से पहले, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, इसी तरीके की अपडेट देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। दोस्तों, जो टनल 49 है, T49 टनल, ये यहाँ पे जो आप लोगों ने अभी देखा था, जो यहाँ पे जम्मू से श्रीनगर की डायरेक्ट रेलवे कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे जो ट्रायल लिया गया था, जो कि यहाँ पे बनिहाल से खाड़ी के बीच में हुआ था, 15 किलोमीटर का ये ट्रायल था। और जैसे ही हम लोग खाड़ी से आगे बढ़ते हैं तो ये टनल आ जाती है, T49 टनल। ये जो टनल है ये खाड़ी रेलवे स्टेशन के जस्ट बाद मौजूद है और इस टनल की लेंथ है 12.75 किलोमीटर की। इस टनल के ऊपर एफकॉन कंपनी काम कर रही है और ये जो टनल है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। काम इस टनल के अंदर आप लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देखिए, ये जो टनल है ये नॉर्थन रेलवे के फिरोजपुर डिवीज़न में आती है और खाड़ी कटरा सेक्शन पर पड़ती है। आइए देखते हैं कितना कुछ काम इस टनल के अंदर हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, ये है टनल नंबर 51, जो कि यहाँ पे अभी पिछली समय में टनल 49 के नाम से जानी जाती थी। जी हाँ, T49 टनल को भी रिनेम कर दिया गया है। T51 टनल के आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर दो ट्रैक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे और जो यहाँ पे ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम है वो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस टनल के अंदर आप लोगों को रिजिड ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी OHE का काम टनल के बाहर ही देखने को मिलेगा। देखिए, खाड़ी रेलवे स्टेशन के पास ये टनल मौजूद है, तो आइए खाड़ी को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे खाड़ी रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अब यहाँ पे येलो स्ट्रिपिंग का काम शुरू हो गया है, यानी येलो कलर की स्ट्रिप्स लगाई जा रही हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेटफॉर्म इंडिकेटर भी इंस्टॉल हो चुके हैं और प्लेटफॉर्म यहाँ पे एक मॉडर्न तरीके का दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये स्टेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे आप लोग इसके वेटिंग हॉल को देख सकते हैं और ओवरऑल बाहर से भी देख सकते हैं किस तरीके से पूरा स्टेशन डिज़ाइन हुआ है। तो ये टनल और ये स्टेशन दोनों ही अब लगभग बनकर तैयार होने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ T49 टनल की, तो ये तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे खाड़ी कटरा सेक्शन पर ये टनल पड़ती है और साथ ही साथ में हम लोग जिस तरीके से, जिस नज़रिए से हम लोग बाकी चीज़ों को देख रहे हैं, उस नज़रिए से शायद ये टनल 49 हाईलाइटेड नहीं हो पा रही थी। इसीलिए मैं T49 टनल के नाम से ये अपडेट लेकर आप लोगों के लिए लेकर आया, ताकि आप लोग भी जान सकें कि जो T49 टनल है वो भी कितनी अहम है USBRL प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी दोस्तों, प्रोग्रेस अच्छी खासी है इस टनल के अंदर और बहुत जल्द ये टनल भी तैयार हो जाएगी और खाड़ी से आगे कटरा के साइड भी ट्रायल होगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए। दोस्तों, ये अपडेट आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। बाकी अगर मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टा ID रेल लवर गुलाम है, वहाँ पर भी आके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कुछ मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। कुछ डाउट या क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।